Hey y'all, come look at this. We are back. आज सुनने वाले टोनी कक्कर का नया गाना, तब तक सुनेंगे जब तक अपने को उल्टी ना जाए। आ जाओ सीधा शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले पीएससीसी में आके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है 1920 1080 का, और मैंने आपको एक पैक प्रोवाइड करा है, वो पैक आप डाउनलोड कर लेना। उस पैक में सब कुछ है, पीएनजी डीएनजी जेपीजी सब है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ये पिक मैंने दे रखी है, आपको सीधा सीधे इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद इसका पीएनजी में मैंने दे रखा है, जैसे आपका टाइम कंज्यूम ना हो। आपको बस क्या करना है, नीचे जो ये मेन लेयर है इसका आपको इफेक्ट अपने हिसाब से आपकी पसंद का इंटेंसिटी में ल्यूमिनस 30 ऐसे कुछ रख देनी है, ऐसा कुछ। इसको थोड़ा डार्क रखना भैया, डार्क फुल ही रखो। फिर आपको क्या करना है, आपको मैं एक पैक में ग्रेडियंट पीएनजी दूंगा, वो आपको ऐसे इंपोर्ट कर देना है। और इसके पहले आपको ये पार्टिकल ये लगा लेना है इफेक्ट, और इसकी ऑपेसिटी 60 रखनी है। फिर एक लेनी है आपको एम्प्टी लेयर, एम्प्टी लेयर इफेक्ट्स में जाना है, स्टाइलिश पे जाना है, जिसे स्टैम्प पैटर्न जो ऑप्शन है उस पर जाके आपको 250 का स्केल करना है और एंगल 20, और आपको इसको इसके ब्लेंड मोड करना है, लीनियर डॉच ऑपेसिटी 40। देखिए अभी तक काफ़ी अच्छा लग चुका है। अब आप थोड़ा कैरेक्टर डल सा लग रहा है, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट पिक्सल करना है, नीचे से एम्प्टी लेयर लेनी है, उसके नीचे फिल एंड स्ट्रोक से फिल करना है वाइट कलर। फिर जो ये नीचे कलर वाली लेयर है इसको लीनियर डॉच देना है, और एफएक्स में जाके बेसिक से गॉशियन ब्लर फुल दो बारी, और जो ऊपर है इस पर आपको कर्व दे देना है सेंटर में क्लिक करके ज़रा सा ऊपर, और नीचे वाली मेन लेयर पर ज़रा सा नीचे। अगर आपको ये ग्रेडियंट सूट नहीं कर रहा तो आप इसको हटा के आप क्या करना, अपना पसंद का एक बना लीजिए एफएक्स में लाइटनिंग देके, ऐसा आप यहाँ लाइटनिंग देके ऐसा बना सकते हैं, या सेंटर में रख के कैसा भी। मैं और बस इतना ध्यान रखना है इंटेंसिटी नहीं हिलनी चाहिए, मैं थोड़ा इस तरफ रख रहा हूँ। फिर आपको ये जो कैरेक्टर का पीएनजी है इसको आपको डुप्लीकेट करके लीनियर डॉच करना है, और एफएक्स में जाके गॉशियन ब्लर दे देना है फुल दो बारी। फिर देखिए वो ज़्यादा चमकीला हो गया, तो हम इसकी ऑपेसिटी को कर देंगे कम, मैं 50 रख रहा हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है, आपका एक ना मैंने वो प्रोवाइड कर रखा है, एक ये स्क्रीन शॉट है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे करके सेलेक्ट कर, ऐसे पॉलीगन सेलेक्शन से इसका सिर्फ गन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास पहले से ही ये नो एमओ वाला होगा, खाली एमओ का, तो आप ऐसे काम चला सकते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी, तो गाय जैसे ये हो जाएगा, आपको क्या करना है, इस पर आके एक्सट्रैक्ट कर दें, जैसे सिर्फ यही हमारे पास रहे। अब आपको क्या करना है, आपका ये मैंने काम कर दिया है, वैसे मैं आपको इसका पीएनजी प्रोवाइड कर दूंगा पैक में। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारा पीएनजी, उसके ऊपर एक एम्प्टी ले लेना है, सर्कल सेलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, और एक तरह से हाफ सर्कल सेमी सर्कल यहाँ पे बना देना है इतना सा, और इसको आपको करना है येलो कलर का जो हमने अभी भी सेलेक्ट करा है, और फिर नीचे इसको लीनियर डॉच करके गॉशियन ब्लर 5 बारी। फिर इसको आप एडजस्ट करके थोड़ा ऐसे लंबा करके नीचे की तरफ रख लेना, इस
से ये थोड़ा ऐसा आया। अच्छा अब ये जो है, अरे सॉरी, मार्की सिलेक्शन टूल से सेटर पर रख के इन दोनों को अलग अलग करके ऐसे एडजस्ट कर देना। इनको आपको एडजस्ट कर देना यहाँ पे, फिर आपको टेक्स्ट ले लेना है हमारा गॉड ऑफ नेट, इसको थोड़ा नीचे रख देना, मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया। या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपको कैसे रखना है। फिर आपको टेक्स्ट को अलग अलग कर लेना है लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कैसे होगा। फिर इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको ग्रेडियंट देना है, एक ये वाला ग्रेडियंट देख लो, पहला 53 दूसरा 36, ये आपको दोनों में दे देना है। उसको आपको मर्ज कर देना है, एफएक्स में जाके बेवल देना है 2 डिस्टेंस 2 ब्लर और बस यही दे देना, क्योंकि वो बेटर लगेगा ज़्यादा। फिर आपको ड्रॉप शैडो देते जाना है इस पर जितना आपको अच्छा लगे, वो कर्व जो हमारे नीचे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट लेकर करना है, इसको लीनियर वॉच कर देना, ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। गॉशन कर दे देना फुल दो बारी, फिर इसकी ओपेसिटी 40। अभी भी आपको ड्रॉप शैडो देना है तो थोड़ा सा और दे सकते हैं, जैसे कि मैं तो दे रहा हूँ थोड़ा बहुत और, पर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ 40 या ऐसे कुछ बस। फिर आपको सेकंड टेक्स्ट है, ये आपकी मर्जी है। आपको ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, फिर इसका भी लीनियर डॉज गॉशियन ब्लर वगैरह कर देना है सेम फॉर्मेट, ओपेसिटी कम, पर इसकी और कम करना है क्योंकि टेक्स्ट छोटा है। अब आपको क्या करना है, अब सारा काम है थोड़ा इमोजी और पीएनजी का। तो मैं आपको ये 3 पीएनजी दिए है, आपको सबसे पहले ये पीएनजी ग्रेनेड के ऐसे ज़्यादा ही आगे चलेगा, ऐसा कुछ कर देना। पर ये जो नीचे बड़ा वाला है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको ये दोनों लेने हैं शॉकिंग वाले कि एमओ मतलब ख़त्म हो गई, क्या होगा अब अपना। भाई ये देखिए अभी तक का हो चुका है सारा काम, इसके बाद आपको डन करके सेव कर लेना है इसको। फिर आपको आ जाना है एडोब लाइटरूम में, एडोब लाइटरूम में आते हैं, आपको सबसे पहले ये इंपोर्ट करना है। और इससे पहले आप अपना प्रीसेट इंपोर्ट करके रखना पहले से ही, फिर ऊपर जो ये 3 डॉट्स है कॉपी सेटिंग होता है, प्रीसेट का कॉपी सेटिंग करके इस वाले पे पेस्ट करना। मेरे पास प्रीसेट अभी काफ़ी सारे हैं, नहीं ये एक प्रीसेट है, बहुत सारे हैं मेरे पे। मैं आपको ये सब थोड़े थोड़े एक एक ये मैं दे दूंगा, जो मेरे को बेस्ट से बेस्ट लगे वो सारे मैं दे दूंगा, 3 दूंगा आपको भी सेलेक्ट कर।
गाइस यही था आज की वीडियो में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फर्क देखिए कितना क्लियरिटी वगैरह सब कुछ आ चुकी है। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो गाइस आपको अगर कुछ भी कहीं भी इशू आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं कि पैक के रिलेटेड हमारे पैक सीधा सीधा खुलता है कि आप चैनल वो खोलें हमारी लिंक, उसमें चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो एंड सीधा आप पैक डाउनलोड की लिंक आपको ड्राइव के मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रीसेट कैसे अप्लाई करना है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ और ट्यूटोरियल किसी भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर लव, 670 सब्स हमारे हो चुके हैं, प्लीज़ जल्दी से 700 करा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। एंड प्लीज डू सपोर्ट अस एंड स्टे ट्यून, स्टे होम स्टे सेफ, पीस आउट।